कुछ जो हाईवे बन रही है, हमें खुशी हुई कि ये बरतूजी सरकार ने जो अब उस रोड को बनाने का जो है अजम किया है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगा कि इस रोड से जहाँ फ़ायदा होना चाहिए था वहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान इसलिए कि रोड बहुत स्लो इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग कर जो है वो बिल्कुल स्लो चल रही है, जिसके चलते आए रोज़ हमारा कोई बीमार ये पुंछ से अगर रेफ़र होता है जम्मू की तरफ तो उसको इतनी परेशानी आती है कि वो रास्ते में अगर कुछ सीरियस है तो वो रजौरी तक भी नहीं पहुंच पाता। तो कहने का मकसद जहाँ कटिंग हो रही है, कटिंग के साथ साथ अगर लैपटॉप भी किया जाए साथ साथ में एक एक किलोमीटर आधा आधा किलोमीटर इसको जो है वो के साथ उसको पक्का भी किया जाए तो मैं समझूंगा कि हमारे लोगों के लिए आसानी होगी। लेकिन आए रोज़ इस रोड पे जो है वो दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं, परेशानी ज़्यादा हो रही है। आगे गर्मी भी है, रमज़ान मुबारक का मुकदस महीना भी चल रहा है, तो जिस कदर भी यहाँ से बीमार को शिफ्ट किया जाता है जम्मू में तो वो कम से कम 8 या 9 घंटे में जम्मू पहुँचता है। तो मैं समझूंगा कि बरतूजी सरकार या अलगी इंतजामिया इन ठेकेदारों का जो है वो नोटिस दे और सख्ती से काम करने की तलकीन करे ताकि इस रोड पे जल्दी से जल्दी ये काम जो है वो तेज़ी के साथ हो, जिससे हमारे रजौरी पुंछ के लोगों को परेशानी ना हो और ख़ास करके जो बीमार तबका है जिनको हमारे पुंछ से या रजौरी से रेफ़र किया जाता है उनको परेशानी ना उठाना पड़े। हमने ये सुना था कि यहाँ इमरजेंसी कोई हेलीकॉप्टर की भी जल्दी वो पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पे बड़ा सुना, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझूंगा कि जो हमें हेलीकॉप्टर की जो सहूलियत देनी थी वो भी जल्द दी जाए, और ख़ास करके ये तो उन्हीं के लिए होगी जिनके लिए पैसा होगा, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं जिनको एम्बुलेंस पे जाना है या किसी प्राइवेट गाड़ी पे, तो उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है। तो मैं मरकजी सरकार से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर इस रोड को जल्द मुकम्मल करने में अपना रोल अदा करें।